नमस्कार दोस्तों, रेखा रसोई उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में किचन के बहुत बढ़िया टिप्स, 10 बड़े काम के अमेजिंग किचन टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। ये देखिए, जब हम दूध गर्म करते हैं ना, उसको थोड़ा ठंडा होने दें, उसको फ्रिज में रख दें, फिर ज़्यादा मलाई निकलती है, मलाई जमा के जाए, फिर इसका घी बना सकते हैं आप। वैसे तो आजकल सभी बनाते हैं, लेकिन फ्रिज में रखें तभी ये निकलेगा। देखिए, मैंने फ्रिज में रखा और इतना सारा मलाई इकट्ठा हो गया है। फ्रिज में नहीं रखने से ये इतना इकट्ठा नहीं होता, ये एकदम से पतला पतला ही जमता है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाता है। जितनी भी सारी मलाई जमी है उसको इकट्ठा करके सारा निकाल देना चाहिए। ये देखिए, मैं निकाल ली हूँ, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी जम जाती है ऊपर। इसको सारा निकाल के फिर से फ्रिज में रख दें, फिर जब ये फुल डोंगा हो जाए, उसके बाद भर जाए, तो इसको हाथ से मत लेते हैं। जैसे एक मट्ठा मतने वाला होता है, उससे भी मैं उसी से मैं बनाती हूँ। और ये देखिए, फिर मलाई गरम कर ली मैंने ना, फिर जमा हो गई थी। मलाई गरम करने के बाद यहाँ पे देखिए, जो ये कढ़ाई होती है घी वाली, ये देखिए मैंने एक जेम की शीशी में घी भी डाल रखा है, इतना घी हुआ है। उसी में ये कढ़ाई थोड़ा सा चिपचिपी हो जाती है, घी रहता है इसमें, उसी में आप सूजी बना सकते हैं। जैसे जब मलाई आप गरम करें, आप सूजी भी बना सकते हैं, उसमें बहुत टेस्टी सूजी बनती है। सूजी मैंने भून लिया, फिर पानी डाल दिया। जब पानी डालते हैं ना, तो उस समय गैस की आँच आप हाई कर दोगे तो ऐसे बुलबुले आने लगेंगे। जब पानी डालो तो हमेशा मीडियम आँच, मतलब एकदम जीरो करके आपको पानी डालना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा मीडियम कर दें, नहीं तो ऐसे पूरे बुलबुले उठ के गैस भी खराब। और तीसरी टिप देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो रखे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा मेरे बर्तन हो गए थे, क्योंकि ये खास करके महिलाओं के लिए बहुत काम की वीडियो है। ये देखिए, गैस भी मैंने साफ़ कर दिया, सुबह का समय है, नाश्ता पानी करके गैस ऐसे थोड़ा सा साबुन लगा के इसमें विम बार, थोड़ा थोड़ा हल्का ब्रश से, स्टील उल से इसमें रगड़ना नहीं चाहिए, सॉफ्ट ब्रश ही इसमें यूज करना चाहिए, जो सॉफ्ट वाला जूना होता है वो। और यहाँ पे सारे बर्तन रखे हैं मैंने, क्योंकि जब हम एक महीने में हमारी डेट आ जाती है, तो कोई होता नहीं घर पे आजकल काम करने वाला, बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुद को ही काम करना पड़ता है। तो मसालदानों में इतना सामान रखिए आप, जब आपकी डेट आ रही हो तो उससे पहले ही आप थोड़ा थोड़ा सामान रख सकते हैं। और थोड़ा चावल मैं अलग निकाल देती हूँ, थोड़ा आटा भी अलग निकाल देती हूँ। जो मेरे चावल के बर्तन हैं, आटे के बर्तन, वहाँ पर मैं छूती नहीं हूँ, क्योंकि उन दिनों अशुद्धि होती है। कोई किसी से भी बात सुनोगे आप, किसी भी ज्ञानी की, पंडित लोगों की, किसी की भी, वो बोलते हैं, शास्त्र अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि 5 दिन तक 4 दिन तक तो अशुद्ध रहती है महिलाएं। तो ऐसे में हमको तो काम करना पड़ता है, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। फिर हम पूजा पाठ भी करते हैं तो मंदिर में, उसके लिए शुद्ध होना पड़ता है। तो ये सारा फ्रिज मैंने छुआ है, जहाँ जहाँ भी मैं टच हुई हूँ, मैं सारी चीज़ को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फ्रिज मैंने साफ़ करना है, फ्रिज साफ़ करने से पहले आप ये पलक खोल दीजिए, उसके बाद ही फ्रिज साफ़ करिए, करंट लगने का डर रहता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन धोने अभी सारे, जो जो मुझे धोने हैं, सब दाल के बर्तन मैंने जहाँ भी छुआ सब मैं अलग से रख देती हूँ, खाली करके थोड़ी सी बची रहती दाल, सबको धो देती हूँ। मसालदान है ये, इसके अंदर के जो डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, सब चूल्हा साफ करके, जहाँ जहाँ जो भी सामान होता है मैं सारा धो के उसमें फिर थोड़ा गंगा जल छिड़क देते हैं तो शुद्धता हो जाती है। सारे बर्तन मैंने धो दिए, और आरओ का पानी भी मैं निकाल देती हूँ जो मैंने छुआ है। वैसे तो ऐसा तो बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन मैं अपनी ये टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे बर्तन मैंने धो दिए, इसमें अभी मैं गंगा जल छिड़क दूँगी। और हम लोग तो गाय का गोंद भी इसमें डालते हैं, जो शुद्ध मानते हैं, गौ माता होती हो, उसके जब हम उसके गोंद को छिड़कते हैं तो शुद्ध मानते हैं। और यहाँ पे देखिए, पलक ऐसे निकाल देना, फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने फ्रिज को साफ़ करना है। आरओ का पानी भी मैंने निकाल दिया है, अभी उसमें दूसरा पानी नया वाला मैं भरूँगी। सारे बर्तन निकाल देना, जब भी आप फ्रिज साफ़ करो, सारे बर्तन को निकाल के, और इसके जो भी
अंदर कवर हैं सब निकाल देने हैं, स्टैंड वगैरह सब निकाल देने हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं विम बार से इसको साफ़ कर रही हूँ। गर्म पानी किया मैंने, उसमें डुबो के गरम गरम पानी थोड़ा गुनगुना, उसमें मैं इसको अच्छे से भिगो के फ्रिज को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ, फिर इसको खंगालूँगी थोड़ा, छोटे गिलास से डालते हुए पानी धीरे 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 सारा खंगाल के फ्रिज को मैं लगभग 1 घंटे तक खुला रखूँगी। और सबसे पहले तो मैं बर्फ़ निकाल देती हूँ ऊपर जो जमी रहती है फ्रिज खोल के, जब वो अच्छे से गल के ख़त्म हो जाती तब मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। और देखिए मैंने फ्रिज साफ़ कर ली, यहाँ पे सामान भी रख दिया थोड़ा बहुत, और फ्रिज ऐसे 1 महीने में साफ़ करने से बहुत चमक जाती है। वैसे बीच बीच में तो कपड़ा मारते रहते हैं, एक बार इसकी डीप क्लीनिंग ऐसे मैं कर लेती हूँ। ये महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, फ्रिज को भी साफ़ करना ही पड़ता है। और सभी जगह मैं जैसे गंगा जल डाल दूंगी तो सारी शुद्धता किचन में बन जाएगी। और ये देखिए ये चावल मैं बना रही, चावल कभी गीले बन जाते हैं कभी सूखे बन जाते हैं, उसके लिए तो मेरा तो चावल एकदम परफेक्ट बनता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मध्यमा उंगली को ऐसे डालती हूँ, डुबोती हूँ, जो फर्स्ट निशान होता है ना वहाँ पे तक ही मैं पानी डालती हूँ। प्रेशर कुकर में आप भी बना के देखना, ऐसे पानी डालना ना एकदम अच्छा सा चावल बनेंगे, अच्छे से चावल बनेंगे आपको। और देखिए गैस को ऐसे फालतू का फूकना नहीं चाहिए। ये देखिए जो ये लोहे के वहाँ पे लग रहा है ना स्टैंड में, वहाँ पे गैस आ रही है, तो आप ऐसे मीडियम कर सकते हैं चावल बनाते समय, जो कि ये बाहर नहीं आ पाती इसकी आँच, और ज़्यादा गैस भी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आटा मैं चक्की में कुटा के लाई हूँ, पहले तो मैं गेहूँ धोती हूँ, उसके बाद वो सूख जाए तो चक्की में आटा पिसा के लाया। तो ये बड़ा सा कंटर है मेरे पास, जब आटा ख़त्म हो जाता है ना मैं कंटर को भी साफ़ करके धो धा के सुखा के इसमें आटा डालूँगी पूरा छान के, कि बार बार छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो बार बार छानना पड़ता है जब भी हम रोटी बनाते हैं। तो ये देखिए मैं आटा छान रही हूँ, छान के सारा आटा जितना भी मैं पिसा के लाई हूँ ना वो सारा मैं डाल दूँगी, छान के डाल दूँगी। और ये दाल है देखिए, ये दाल भी मैं लाई हूँ बाज़ार से, इसको भी मैं डब्बे होते हैं जो दाल के उनको पहले धोती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने धो रखे हैं टोकरी में, फिर धूप में रख देती हूँ, ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद इसमें ये दालें भर के रख देती हूँ, जब भी दाल ख़त्म होती है मैं तब डब्बों को धोती हूँ। डब्बे बिना धोए डाल दें हम तो वो एकदम चिपचिपे हो ही जाते हैं, ढक्कन वगैरह गंदा हो ही जाता है उसमें। जब भी आप दाल डालें नहीं, डब्बे को जरूर से धो के सुखा के ही डालें तो बहुत ही अच्छा। ऐसे थोड़ा थोड़ा सफाई करने से ना पूरा किचन चमक जाता है। और अभी मैं ये कंटर में इसको छान ले रही हूँ ऐसे करके, और देखिए मैंने आटा वाटा छान लिया, अभी गैस साफ मैंने ये देखिए कर दिए गैस साफ, और इसके जो हम बटन है ना इसको पकड़ते हैं आटे के हाथ से तो इसमें आटा वाटा घुस जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सारे चूल्हे के बर्नर मैंने धो दिए हैं, इसमें भी आटा चले जाता है, कण इसके बंद भी हो जाते हैं। तो मैं इसको लगभग 15 दिन में धो के सुखा देती हूँ चकला बेलन धूप में। देखिए मैंने धूप में रख दिया, सारी दाल को मैं डब्बे में डाल दूंगी, फिर इनको ढक्कन से कवर करके अच्छे से रख दूंगी इनके स्टैंड पे। ये चाकू भी मैं धोने वाली हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज काटते हैं तो इनको भी धोते रहना चाहिए, धो के ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी व्रत होता है तो उसमें लहसुन प्याज का परहेज होता है, तो ये लहसुन प्याज से लगी चाकू होती है, इसको भी मैं धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं धनिया लेके आई कल सब्जी मंडी से, यहाँ पे हवा भी आती रहती किचन में खिड़की में, यहाँ पे पानी डाल के मैंने शीशे के गिलास में रख दिया। ऐसे रखने से ना धनिया हरा रहता है, 2 दिन तक तो हरा ही रहता है, फिर यूज में ले लेते हैं हम इसको। अब ये देखिए बोतल धोने, कभी कभी हफ्ते में एक दिन बोतल भी धोने चाहिए, ये किनारे से थोड़ा सा गंदे हो ही जाते हैं, और ढक्कन भी देखिए गंदा हो ही जाता है, बच्चे गंदा कर ही देते हैं पकड़ के, धोते तो है नहीं वो, इसलिए इसको धोना ज़रूरी है हफ्ते में एक दिन अच्छे से, इसको डीप क्लीनिंग करके। ये मैंने साफ़ कर दिया है। ये चावल पे मैंने डाल दिए हैं माचिस की तिल्ली और लाल मिर्च, क्योंकि इसको डालने से चावल ज़्यादा हैं तो आजकल बारिश का मौसम है, चावल ख़राब होने का डर रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं सफ़ेद वाले, इसलिए मैंने ये डाल रखा है। मैं हमेशा डालती हूँ, इससे चावल में मेरे कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं, देखना आप ट्राई करके।
यहाँ पे बोतलें मैंने पानी से भर दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।